नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। लॉकडाउन में शराब की दुकानों की बंदी के बावजूद छतरपुर जिले में शराब की दुकानों से या तो शराब चोरी के मामले या फिर शराब बेचे जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हरपालपुर के अंतर्गत अलीपुरा का है। शराब की रोक के बाद शराब दुकानों से लगातार शराब चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला अलीपुरा का है, जहां देर रात शराब की दुकान से 3 लोगों को शराब चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ा था। इनकी सूचना पर 2 अन्य लोग भी पुलिस की गिरफ्त में आए। इनके पास से शराब की दुकान से चोरी करते शराब जब्त की गई थी। इन चोरों ने लॉकडाउन के दौरान शराब की सील पड़ी दुकानों से शराब चोरी की और उसके बाद इसे बेच रहे थे। इसी सूचना पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से 60 पेटी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सील दुकान पर रखे स्टॉक को जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। अब पुलिस शराब ठेकेदार पर भी सील दुकान से शराब चोरी पर मामला दर्ज करने की बात कह रही है। ये मुझे थाना प्रभारी मैडम ने बताया था, सुबह मेरी चर्चा हुई थी कि पुनः उस दुकान की अलीपुरा दुकान की सील तोड़ी गई है और मैडम ने यह भी बताया कि हमने मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है। तो मैंने कहा मैडम मैं आ रहा हूँ तहसीलदार साहब को बुला करके, और तहसीलदार साहब मौके में उसकी जांच करेंगे, देखेंगे कि कितना माल हमारा चोरी गया है, और ठेकेदार से मैं पूछूंगा कि कितना माल था और कितना माल और गया है, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने 687 पेटी हमारे पास माल था। उसके तहत तो अभी जो बताया गया है कि 3 या 4 पेटी के लगभग चोरी गया है। पूर्व में जो चोरी गया था वो भी पेटी पकड़ लिया है थाने प्रभारी ने, और उसकी विवेचना कर रही है। लगभग कितने आरोपी पकड़े गए? 5 आरोपी बता रहे हैं, 5 आरोपी पकड़े गए हैं और थाने में बैठा लिए हैं। हमारे पास शराब के ठेके का ताला तोड़कर शराब की पेटी चोरी करने का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना के दौरान मुखबिर से हमको सूचना मिली कि शराब अवैध शराब रखी गई है, जिसके लिए हम विवेचना तलाशी हेतु गए। वहाँ हमको अवैध शराब मिली है और हमको और एक आरोपियों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ चल रही है।